सो ही गाइज, ये जो 2021 का साल होगा ना, ये पूरा डेडिकेटेड होगा 5G स्मार्टफोन्स के लिए। मतलब यहाँ पर आपको मिड रेंज सेगमेंट से लेकर फ्लैगशिप सेगमेंट तक कमाल के 5G डिवाइस देखने को मिलेंगे। और गाइज अभी के टाइम पे सबसे चीपेस्ट 5G डिवाइस की बात करें ना, तो वो आपको देखने को मिलता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नॉट के रूप में, जहाँ पर आपको 25,000 के ऊपर ये फोन देखने को मिलता है। लेकिन गाइज ऑलमोस्ट जितनी कंपनियां वो तैयारी कर चुकी हैं कि 2021 के फर्स्ट मंथ से यानी जनवरी मंथ से आपको बहुत सारे 5G फोन्स लेकर आने वाली हैं। बट गाइज ऐसे में जो कंपटीशन है उसको देखते हुए मोटो ने यानी मोटरोला ने ये कंफर्म कर दिया है कि आपको जनवरी से पहले यानी दिसंबर मंथ के करीब ही आपको मोटरोला का 5G डिवाइस देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही कमाल के प्राइसिंग पर आएगा, यानी वन प्लस नॉट से भी कम प्राइसिंग के ऊपर आने वाला है। और गाइज लीक्स के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि मोटरोला तैयारी कर चुकी है कि वो Xiaomi और Realme से पहले ही अपने 5G फोन को इंडिया के अंदर लेकर आए, जहां पर गाइज मोटो G5G से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है, अलोंग विद प्राइस और गाइज क्या कुछ स्पेसिफिकेशन होने वाला है, कब तक इंडिया के अंदर आएगा, सारी चीजें डिटेल में वीडियो के अंदर बात करने वाले। सो अगर आप भी जानना चाहते हो मोटरोला के मोटो G5G डिवाइस के बारे में या फिर बाय करना चाहते हो बहुत ही कमाल के प्राइसिंग पर एक 5G फोन, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेकल परस्यूम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और बात करते हैं मोटरोला के मोटो G5G डिवाइस के बारे में। सो गाइस मोटरोला का G5G डिवाइस ऑलरेडी कुछ कंट्रीज के अंदर लॉन्च हो चुका है। सो गाइस चलिए देखते हैं कि क्या कुछ स्पेक्स रहने वाली है। तो गाइस मोटरोला के मोटो G5G के साथ में आपको 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS LCD पैनल मिलती है, जहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर एक सेंटर पंच होल कटआउट देखने को मिलता है। सो लुक वाइज जो सेंटर पंच होल कटआउट होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, और 6.7 इंच की एक डिस्प्ले साइज अच्छी खासी साइज भी देखने को मिलती है। बट डिस्प्ले के अंदर आपने नोटिस किया कि यहां पर आपको IPS LCD पैनल मिलता है और कोई भी हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड नहीं करा रही है मोटो, तो एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि नहीं एक AMOLED पैनल और नहीं एक हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले। सो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर अगर आपने एक IPS LCD पैनल स्क्रीन दे ही दी है तो कम से कम 90Hz रिफ्रेश रेट दे देते, या फिर चलो एक नॉर्मल 16Hz रिफ्रेश रेट ही दिया है बट यहां पर एक AMOLED पैनल दे देते तो ज्यादा बेस्ट होता। तीन दोनों ही में से कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती है। बाकी गाइज अगर हम बात करें इस फोन के बैक साइड लुक की, तो यहां पर आपको वही पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, और एक बहुत ही कमाल का कैमरा प्लेसमेंट देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको मोटो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है मोटरोला ब्रांडिंग के साथ में, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। सो ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस को लेकर, चिपसेट को लेकर और कनेक्टिविटी को लेकर, तो इतना तो कंफर्म है कि ये फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आने वाला है, और ये भी कंफर्म है कि ये फोन इंडिया के अंदर भी स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट के साथ में आने वाला है, जो कि 5G चिपसेट है, और इस प्राइसिंग के ऊपर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस दे देने वाला है। मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी परफॉर्मेंस को लेकर, जहां पर आपको इस फोन के साथ में 6GB रैम 8GB रैम ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जहां पर अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो फोन 6GB रैम और 8GB रैम ऑप्शन के साथ में आता है, और 128GB तक के स्टोरेज ऑप्शन के साथ में आता है। और गाइज यहां पर आप इसके मेमोरी को एक भी एक्सपेंड कर सकते हो माइक्रो SD कार्ड लगा के, जहां पर आपको इस फोन के साथ में ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन गाइज अगर हम बात करें इसके कैमरा को लेकर, तो बैक साइड में आपको ओनली ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलते हैं, और यहां पर जो प्राइमरी लेंस है वो है 48MP का, जो कि सैमसंग का GM1 सेंसर दिया गया है, और उसी के साथ में आपको 8MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, 2MP का एक मैक्रो लेंस मिलता है, और फ्रंट साइड में 16 MP का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है सेंटर पंच होल कटआउट के अंदर। सो ओवरऑल अगर कैमरा पर एक नजर डाले तो यहां पर आपको एवरेज कैमरा देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा कैमरा है, बट हाँ इस प्राइसिंग के ऊपर मैं कहूंगा कि यार 64MP सेंसर नहीं देते, बट एक क्वाड कैमरा सेंसर दे देते, 4 कैमराज देते थे, और यहां पर अगर आप एक डेप्थ सेंसिंग लेंस भी दे देते तो ज्यादा बेस्ट होता। बट गाइस अगर हम बात करें इस फोन के बैटरी को लेकर, तो इस फोन के साथ में एक अच्छी बैटरी मिलती है 5000mAh यानी 5000mAh की बैटरी मिलती है, और साथ में ये फोन 20W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 20W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, सो ये एक अच्छी बात है। लेकिन गाइस यहां पर इस प्राइसिंग के ऊपर आपको 30W तक के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस फोन के ओवरऑल प्राइसिंग को लेकर ना, सो गाइस ऐसा एक्सपेक्टेड है, और जो बाहर में ये फोन लॉन्च हुआ है उसके प्राइस को अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये फोन आपको 20 से लेकर 23 से 24 हजार के करीब मिल सकता है, यानी अंडर 25 के रहेगा, और ऐसा एक्सपेक्टेड है, ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये फोन अंडर 20 के यानी 20,000 के अंदर ही आए। सो गाइस आप नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको स्पेक्स वाइज ये फोन अच्छा लगा। लेकिन अगर बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यार इस प्राइसिंग के ऊपर जो कुछ स्पेक्स देखने को मिलते हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं है, बट हाँ अगर आपको एक बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए, आपको ओवरऑल एक ठीक ठाक पैकेज चाहिए स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में, 5G कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस फोन को लेना। बाकी अगर आप थोड़ा सा वेट कर लोगे तो मार्केट के अंदर आपको कई सारे ब्रांड की तरफ से और अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इससे अच्छे स्पेक्स के साथ में और कमाल के प्राइसिंग के ऊपर। बाकी गाइज अगर इंडिया लॉन्च की बात करें, तो लीक्स के अकॉर्डिंग और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये डिवाइस आपको दिसंबर लास्ट तक कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन नीचे कमेंट कर
करके आप जरूर बताओ कि क्या आप एक्साइटेड हो इस डिवाइस के लिए और क्या कुछ कहना चाहते हो इस फोन को लेकर। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव में शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको कॉन्टेंट में दम लगा और ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यूस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते एक नए और कमाल की वीडियो के साथ में, अपने ओपिनियन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।